देख रहा हूँ, ये देखो पूरा क्या खूबसूरत लग रहा है, मजा आ गया। क्या व्यू है यार भाई, गजब मजा आ गया। ये है मेन जहाज महल। इसको बोलते तवेली में, तवेली का मतलब होता अस्तबल। नीचे तो घोड़े बांधे जाते थे, ऊपर सैनिक लोग रहा करते थे। ठीक। जब 1952 में यहाँ पे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और शेख अब्दुल्ला जी घूमने के लिए आए, ऊपर वाले भाग को तभी से गेस्ट रूम में कन्वर्ट किया, जहाँ पे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और बड़े बड़े आईपीएस। ये मेरी फेवरेट ऑफ रोडिंग मिल गई भैया, ऑफ रोडिंग। ओए होए देखो क्या खूबसूरत दिख रहा है, रुक करके दिखाता हूँ। ये देखो पूरा खूबसूरत, ये गूगल बाबा लेकर के आए हैं ये शॉर्टकट रास्ते से ऑफ रोडिंग वाले। ये पूरा, ये पूरा क्या खूबसूरत दिख रहा है, ये रोड गई है ऑफ रोडिंग, पूरी कच्ची रोड गूगल बाबा लेकर आए हैं ये रोड। बीच में कीचड़ मिल गया था तो एक भाई था, बोलता मैं निकाल देता हूँ उस कीचड़ से, गांव वाले ही था, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। और ये गूगल बाबा लाए हैं इस रोड से, ऐसी शॉर्टकट रास्ते से लाए हैं। और मेरी फेवरेट ऑफ रोडिंग भी दे दी गूगल बाबा ने। बस पहुंच ही गए हम लोग गाइस, मात्र रह गया 8 किलोमीटर रह गया, 8 किलोमीटर रह गया है। और ये चढ़ी, अब मेरे पीछे कौन है अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं। फ्रेंड्स कैमरा एंगल के लिए सॉरी, ये ऑफ रोडिंग रहती है ना तो थोड़ा ऑफ रोडिंग पर नज़र ही गिट्टी वगैरह रहती, स्लिपरी रहता है, तो नज़र उस ध्यान लगाने के चक्कर में उसी पे तो कैमरा एंगल थोड़ा सा नीचे हो जाता है, उसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स। कैमरे का एंगल भी वो क्या हेलमेट पे रखा हुआ है ना, तो उस वजह से फोकस पूरा वहाँ चले जाता है, फोकस पूरा रोड पे रहता है, तो नीचे थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। गजब वाली ऑफ रोडिंग, चढ़ाई वाली है। भाई ट्यूब वाली गाड़ी की तो अगर पंचर हुई ट्यूब वाली तो फिर तो क्या है, ये तो ट्यूबलेस है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बांध में देख लिया जाता है या ट्यूबलेस को, तो अगर होती भी है तो। ये देखो यार क्या खूबसूरत दिख रहा है, ये देखो, ओह देख रहा हूँ, ये देखो पूरा क्या खूबसूरत लग रहा है, मजा आ गया। क्या व्यू है यार भाई, गजब मजा आ गया सही। वो देखो यार रुक गया हूँ मैं अब, और ये दिखा रहा हूँ अब आप लोग, ये देखो नीचे, ये ऊपर, ये देखो पूरा, ये पूरा, ये देखो वाह यार, गूगल बाबा की जय, शॉर्टकट रास्ते से लाने के लिए गूगल बाबा की जय। मस्त मजा आ गया, चलो यार टाइम हो रहा है। फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है मांडू का तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे तो वहां से जा करके देख सकते हो। ऑफ रोडिंग, ऑफ रोडिंग, रुक कर फोटो लेना तो बनता है, लेकिन अब थोड़ा लेट हो गए हैं, फिर निकलना भी है भोपाल रिटर्न, आप लोग को दिखाना भी है मांडू, इसलिए ओहो असली वाली ऑफ रोडिंग है, खतरनाक।
चढ़ाई है, चढ़ाई अच्छे से बैठे हो ना। अरे भाई साहब ये देखो कहाँ कहाँ गाड़ी रोकूं, ये देखो बाप रे मजा आ गया भाई, क्या व्यू है। फोटो लेने का मन कर रहा है लेकिन अब सब कुछ उतारो फिर उफ करो। फोन आ गया है घर से, हेलो हाँ मांडू भैया, ऑफ रोडिंग के बाद अब इतनी कम से कम बहुत टाइम बाद ठीक रोड मिली वो ऑफ रोडिंग करने के बाद। हालत खराब कर दी थी, मजा भी आया और थोड़ा पेशेंस टेस्ट हुआ आज ऑफ रोडिंग पे। पहुंच ही गए, एक ही एक या दो जगह तीन जगह ही दिख पाएगी क्योंकि आसपास ही है ना, जहाज महल दिख जाएगा। नदी मिल गई गांव की नदी। लोग मिल गए मतलब मांडू पहुंच गए इस टाइप के लोग। हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रहा हूँ और प्लीज सपोर्ट करो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन हिट कर दिया करो। 600-600 300-300 किलोमीटर जा रहा हूँ लेकिन वीडियोस और ब्लॉग आना नहीं रुकेंगे। तो अब मैं आपको अंदर जहाज महल पे मिलता हूँ, आप लोग वीडियो एंजॉय करिए फ्रेंड्स प्लीज़। ये है मेन जहाज महल, ये रखा भैया जहाज महल। इतनी मेहनत मशक्कत करने बाद भाई गार्ड बड़ी चेकिंग करी, खतरनाक हो कहीं कैमरा वैमरा तो नहीं है। ट्राइपॉड याद से रखना पड़ेगा। और अब आगे का हाल हमारे गाइड भाई साहब बताएंगे आपको, गाइड भाई साहब आपको गाइड करेंगे फ्रेंड्स। इसको बोलते तवेली में, तवेली का मतलब होता अस्तबल। नीचे तो घोड़े बांधे जाते थे, ऊपर सैनिक लोग रहा करते थे। ठीक। जब 1952 में यहाँ पे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और शेख अब्दुल्ला जी घूमने के लिए आए, ऊपर वाले भाग को तभी से गेस्ट रूम में कन्वर्ट किया, जहाँ पे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और बड़े बड़े IPS अधिकारी आज भी रुके। ओके। ये ग्रीन पट्टी वाला नीचे वाला स्टेट है म्यूजियम में। अच्छा। जिसमें मंदिर की मूर्तियाँ, अफगानी लेख, पात्र, बर्तन, इन चीजों का कलेक्शन। साइड में मुंज, इस साइड में सूरज, ये कपूर, तो ये तीनों अंदर से लिंक है। ओके। तो इससे ऊंचाई से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई झांझ पानी के अंदर खड़ा है। ओके। इस पैटर्न को उसको झांझ महल का नाम दिया गया। इसकी बनावट भी एक झांझ के शेप में, दोनों साइड पानी, इसको झांझ महल का नाम मिला। ठीक। बोल सामने जो दूसरे देख रहे हैं गदा शाह, यहाँ के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते थे। तो वहाँ पे पुराने समय का शॉपिंग मॉल है, पालिका बाजार लगता था, हर प्रकार का सामान मिलता था। और वो है तो इतना धनी आदमी था जो राजा को फाइनेंस किया करता था। ओके। गदा शाह बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। अच्छा बताना इसके बारे में, मेरे को थोड़ा बहुत पता है। हाँ बोलो। जैसे
लेडीज से रहा करती थी जिसमें जेंट्स को खाना जाना अलाउ नहीं, और जितने भी सोल्जर वर्कर होते लेडीज और किमन को रखा जाता था। ओके, तो पहले 150 के ग्रुप में रहा करते थे, तो 120 मीटर के दायरे में 1552 लेडीज यहाँ रहती थी, और मेन रानी राजा के साथ हिंडोला जल महल उस वाटर पैलेस में उनके साथ में रहा करती थी। ओके, झाजल का लंबाई है 120 मीटर, जिसका हाइट है 20 मीटर, और तीन प्रकार का जैसे आर्किटेक्चर मैंने आपको पहले से ही बताया था, पहले ग्रुप और पर्दा से सुनता है, आई से पत्थर की बनी जाली से पैक था ही। झाजमेर का ओरिजिनल नाम हुआ करता था रंग महल, रंग महल, लेकिन बाद में उसको झाजमेर का नाम दिया। क्यों? माने कि जो कलर थे येलो ग्रीन व्हाइट इन प्रकार के पेंट होते थे। नाम क्यों दिया फिर उसको झाजमहल? ये तो उसकी बनावट के आधार पर गवर्नमेंट के आधार पर दिया है। अच्छा, ओरिजिनल रंग महल के नाम से आता है। ओके, जैसे ये कलर दिल्ली को डेकोरेट करें। हाँ हाँ, आ जाओ इधर। ये सारे पेंट कलर इस प्रकार के पेंट होते थे बिल्डिंग को डेकोरेट करने के। ओके, इस साइड में ये मुंज सरोवर, इस साइड में कपूर। ओके, राजा भोज के नाम जो अंकल थे मुंज देव परमार, उनके नाम जो मुंज सरोवर, और कपूर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जिससे काले बाल होते हैं उस आधार पर उसको कपूर नाम दिया। हाँ, वो काले महल का, वो काले बाल का भी कुछ कहानी है ना कुछ? हाँ, वो आगे बताएंगे। हाँ ठीक ठीक, हो गए। हाँ, यहाँ पर के आकार का स्विमिंग पूल है। ओके, ऊपर टेरेस पे लोटस के आकार का है। ओके, पूरी साइड में पानी का टैंक है। ओके, तो पहले चलता था रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ओके, मतलब छत और बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा जमा करो। हाँ, तो छत का जितना पानी होता था ऊपर वाले टैंक में स्टोर होता था, और एक्स्ट्रा उनको इस टैंक में, और इसी टैंक का पानी हरम की महिला नहाने धोने पीने के लिए यूज करती है। अब जैसे कछुआ और लोटस की जगह पे स्विमिंग पूल बनाया गया, यहाँ पे 1500 में से दो प्रकार की रानियां पसंदी थी, तो उन्हें और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए दो प्रकार के उपाय, एक रानी वो जो सबसे ज्यादा फेट या मोटी होती थी, उनका वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज। तो जामी मस्जिद के ठीक सामने आप असर भी महल देखेंगे, वहाँ पर हर एक स्टेप पे सोने का एक कॉइंस रखा जाता था, और रानियों को कहा जाता था कि आप इन्हें उठा के कलेक्ट कीजिए, तो उन्हें उठाने के लिए झुकना पड़ता था, खड़े होना पड़ता था, सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी, वो जितना भी कलेक्ट होता था या तो रानी अपने पास रखती थी या गरीब में दान करती थी। तो एक तरीके से गरीबों की गरीबी दूर होती थी, तो सेकेंड टाइम में मोटे लोगों का वेट वजन कम होता था, उसके आधार पर असर भी महल का नाम दिया। ओके, दूसरी बात उम्र के हिसाब से बालों का सफ़ेद होना, सुंदरता में कमी, तो इसमें जंगल की जड़ी बूटियां कपूर फ्लावर डाल के इसमें रेगुलर स्नान किया करते थे, जिससे उनके काले बाल काले बने रहते थे, उनकी सुंदरता बनी रहती थी, इस प्रकार के उपाय रानी और बेगमों के लिए हुआ करता था। ये टैंक है, छत का सारा पानी इसमें स्टोर होता है। अच्छा, ये पूरा? हाँ, ये पूरा, ये नीचे स्टेप बनी हुई, ऊपर से कवर्ड है। हाँ बताओ। पुराने समय में कई फिल्मों का शूटिंग हुआ, जैसे पुराने समय में दिलीप कुमार साहब का दिल दिया दर्द लिया, जीने नहीं दूंगा, किनारा, डंका, दादी माँ, पुतली बाई, एक मद्रासी, यमला पगला पार्ट टू, सारा खान का व्हाट्सअप लव, और सलमान जी का दबंग 3। ओके, ऐसी कई फिल्मों का शूटिंग और प्रीवेडिंग तो चलते ही रहता है। ओके, यार लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट्स, और सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो यार। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।